नॉन वेजिटेरियन लोगों का सही रहता है डाइट में 100 ग्राम चिकन डालो बन गया प्रोटीन, थोड़े अंडे खा लो बन गया प्रोटीन। हम बेचारे वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के सोर्सेस है कम, उसमें नहीं ज्यादा दम, अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बनाए तो भी बनते नहीं है। तो वेज डाइट पे क्या खाए हम जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो बट यार टेस्ट में भी ना हो कम? अरे 1 to 16 वेजिटेरियन डाइट के एपिसोड्स तो ऑलरेडी बने हैं, तो क्या ही गम। एंड नाउ आई वेलकम यू ऑल ऑन द 17th एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट, जहां ट्विस्ट टेस्ट डाइट प्रोटीन की कमी नहीं, ऐसा डाइट शायद कभी देखा भी नहीं। तो आज स्टार्टिंग माय डे विद बनाना बिकॉज बनाना इज माय कंफर्ट फ्रूट। तो अभी आज ब्रेकफास्ट में हम थोड़ा चटपटा टिक्की से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 80 ग्राम छोले को बॉईल कर लिया था, यहाँ पे 20 ग्राम स्प्राउटेड मूंग को भी बॉईल कर लिया था एंड उनका बनाया पेस्ट। उसमें गया स्मैश पोटैटो, ओनियंस, जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक, सॉल्ट, कोरिएंडर, 1 स्पून चावल का आटा एंड मिक्स इट वेरी नाइसली। तो यहाँ पे मैंने 1 ब्रेड का ब्रेड क्रम लिया है, आई एम यूजिंग दिस प्रोटीन ब्रेड। तो ऐसी छोटी छोटी टिक्कीज बना लेनी है और उसको ब्रेड क्रम में डीप कर लेना है। एंड अब ये सारी तवे पे होंगी एक के बाद एक फ्राई एंड ये ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत क्रिस्पी बनती है। तो दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई करना है एंड डन। तो यहाँ मैंने थोड़ा बीटरूट का रायता बनाया था, तो अभी ये बन गया हमारा 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन, टेस्ट में भी काफी क्रिस्पी, काफी टेस्टी, बहुत बढ़िया। तो अभी चलो लंच पे चलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, हम डाइट पे अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाते हैं, जैसे कि कड़ी पकौड़ा, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं, कैलोरीज भी ज्यादा एंड कार्ब्स ही कार्ब्स देता। तो क्यों ना आज प्रोटीन वाला कड़ी पकौड़ा बनाया जाए। तो यहाँ लिया है मैंने 200 ml बटर मिल्क, उसमें गया 20 ग्राम बेस एंड ये सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर 25 ग्राम सोया चंक्स को बॉईल किया था एंड अब उनसे एक्सेस वाटर रिमूव करना है। अब इसमें जाएगा ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर, जीरा, इनका पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको 5-10 मिनट ऐसे ही रखना है, तब तक हम कड़ी बनाते हैं। तो ये गया कढ़ाई में 1/2 स्पून घी, जीरा, मस्टर्ड सीड्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, ओनियंस एंड इन्हें अच्छे से पका लेना है। एंड ओनियंस पकने के बाद गया हमारा ये बैटर, इसे अच्छे से स्टेयर करना है ताकि कड़ी फूट ना जाए। एंड जब तक ये बॉईल होता है तब तक कढ़ाई में गया ऑयल एंड उसके बाद ये मैरिनेटेड सोया चंक्स एंड बटर की आयरन का कढ़ाई यूज करें ताकि जल्दी पक जाएंगे एंड हमें इसे थोड़ा क्रिस्पी पकाना है। तो अब हमारे सोया चंक्स गए ये बैटर में, 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है एंड थोड़ा सा ठीक ही रखना है एंड डन। ये दिखने में तो बहुत सही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम रॉ राइस लिया था एंड अब गई कढ़ी एंड हमारा फाइबर एंड दिस इज अ हाई प्रोटीन कढ़ी चावल कॉम्बिनेशन लुकिंग लाइक अ वाव एंड प्रोटीन में भी वाव विद अ 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, टेस्ट में भी वाव एंड बहुत सही, एकदम टेस्टी, सुपर। तो अभी अपना काम फिनिश करते हैं एंड 2-3 आवर्स के बाद जिम चलते हैं। तो अभी जिम के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन मसल की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वे प्रोटीन के बाद तैयारी डिनर की। मुझे पास्ता है खाना पर जरा उसे प्रोटीन रिच बनाना, कैसे? अरे ऐसे। तो ये लिया मैंने कढ़ाई, उसमें गया ऑयल, मस्टर्ड, जीरा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ओनियंस, मिक्स इट वेरी नाइसली। अब गया सॉल्ट, कैरेट्स, मिक्स इट नाइसली। अब गए टोमेटोस, मिक्स 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 एंड अभी सारी सब्जियां लीड कवर करके पकानी है। अब गया टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, मिक्स इट वेरी नाइसली, थोड़ा सा पानी एंड अब मसाले अच्छे से पकने के बाद इसमें जाएगा 30 ग्राम पास्ता, उसको मैंने पहले से ही बॉइल कर लिया था। अब ये सारा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेशन तो बनता है ना, बहुत सही दिख रहा है एंड पास्ता को बहुत सारी सब्जियों के साथ कुक करना इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज उससे क्या होगा, जल्दी से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा एंड ये बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा एंड जल्दी भूख नहीं लगेगी। पर यहाँ पे तो सिर्फ कार्ब्स एंड फाइबर हुआ, प्रोटीन कहाँ है? तो ये लिया मैंने 100 ग्राम पनीर, 1 स्पून बेसन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा पानी, मिक्स इट नाइसली एंड ये पनीर की स्लाइसेस को कोट कर दो एंड फिर 1 चम्मच बारीक सूजी लेके उसमें मैरिनेट कर दो एंड अब एक के बाद एक इसे तवे पे अच्छे से पका लो। दोनों साइड से अच्छे से पकाना है, क्रिस्पी बनाना है और ये जल्दी पक जाते हैं। तो
ये बन गया हमारा पूरा डिनर का प्लेट और देखने में तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है। एंड इससे हमें 24 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है। तो क्या एक बाइट पनीर का पास्ता में हुआ मिक्स एंड ये पास्ता में वह बहुत ज्यादा कमाल लगता है। पास्ता का सॉफ्टनेस, पनीर का क्रिस्पीनेस, क्या कॉम्बिनेशन है, जस्ट ऑसम, वाओ। तो देखो हम अपनी पसंद की चीजें भी खा सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सोचे तो भाई सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ मिल्क से किया दिन खत्म। तो आज तो काफी टेस्टी सा दिन रहा, फिर भी डाइट में प्रोटीन भरपूर रहा। तो हमने कैलोरीज खाई इतनी एंड इतना प्रोटीन खाया। तो बस यही है, ज्यादा दिमाग में तो सोचना ही नहीं है कि सुबह डाइट पे अटके एंड शाम होते होते चिप्स के पैकेट पे। लूजिंग वेट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सो जस्ट फॉल इन लव विद प्रोसेस एंड यू विल लव इट। एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट। टिल देन थैंक यू एंड बाय।